आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट आईटी की यूनिट वेब एप्लीकेशंस के चैप्टर एक को पिछले वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने इन वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियोस के लिंक में उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आज आईटी सब्जेक्ट की यूनिट वेब एप्लीकेशंस के चैप्टर नंबर 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के टॉपिक नेटवर्क, नेटवर्क आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्याम कुमार, आपका एजुकेटर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नेटवर्क, सबसे पहले हम जानेंगे नेटवर्क क्या होता है। देखिए, नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटरों का एक जाल होता है। एक किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कनेक्ट होने का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होती है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक नेटवर्क। यहाँ पे दे रखा है, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब ये कंप्यूटर का एक नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटरों का एक कलेक्शन होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं, तो उस चीज़ को हम कंप्यूटर का एक नेटवर्क बोलते हैं। एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। और कंप्यूटर के अलावा इनके साथ में कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी जुड़े रहते हैं, और वो किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, केबल्स और सैटेलाइट। केबल और सैटेलाइट का मतलब हम आगे समझेंगे। केबल का मतलब ये जान लीजिए कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से कोई भी रिलेटेड हार्डवेयर पार्ट्स है अलग से, जैसे कि माउस है हमारा, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सभी कंप्यूटर से अलग होकर के पार्ट्स होते हैं। तो ये केबल के माध्यम से भी जुड़े हो सकते हैं, और सैटेलाइट मीन्स नेटवर्क जुड़ा हुआ है उससे चल रहे हैं, या फिर वाईफाई कनेक्शन है आपका, ब्लूटूथ है, ये सारे सैटेलाइट कनेक्शन में आ जाते हैं। दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। और ये कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन को, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। इस सेशन में हम बात करेंगे नेटवर्क के बेसिक फंडामेंटल के लिए। एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट के अलग अलग जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है नेटवर्क के अंदर ही, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है, मतलब नेटवर्क बनाने का एक तरीका जो होता है, दो मीडियम से होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर में, तो उसी चीज़ को हम जानेंगे, देखते हैं। पहला आता है इसमें पीयर टू पीयर, पी टू पी मीन्स पी टू पी आर्किटेक्चर को हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस। मतलब इस आर्किटेक्चर के थ्रू जितने भी कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, उनका स्टेटस इक्वल होता है, आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनका सभी का स्टेटस एक जैसा होता है। मतलब इनमें ना ही कोई सर्वर होगा, ना ही कोई क्लाइंट होगा, सभी इक्वल होंगे। और अदर जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके अंदर क्या होता है,
कि सर्वर अलग होता है, उसकी एक्सेस जो परमिशन होती ज़्यादा होती, वही सभी कंप्यूटरों को एक्सेस के लिए परमिशन देता है, उन दूसरे कंप्यूटरों को क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी, वो सभी एक जैसी होती हैं, सभी का स्टेटस एक जैसा होता है। जनरली इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल्स हैज ए इक्वली कंपोनेंट सीपीयू, सभी के लिए एक जैसा ही सीपीयू होता है। अगला देखते हैं क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें से कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होती हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर को क्या सर्विस, इन द नेटवर्क, नेटवर्क में ही, मतलब एक नेटवर्क में ही कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होता है, जो कि दूसरे कंप्यूटर को ये सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क के थ्रू ही, आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इस तरीके के नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स, मतलब इस नेटवर्क के थ्रू, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटरों के पास में स्पेशल परमिशन है, जो कि दूसरे कंप्यूटर को उस नेटवर्क में जुड़े रहने के लिए कुछ सुविधाएं देते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। और जो कंप्यूटर इस सर्वर के थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू जिन दूसरे कंप्यूटरों को वो सर्विस देता है, उन कंप्यूटरों को हम सर्वर बोलते हैं। एंड द वंस दैट यूज देयर सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स, और इस नेटवर्क में रहते हुए जो कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा दी हुई सर्विसेज के द्वारा उन रिसोर्स को यूज करता है, उसे हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पीयर टू पीयर मींस P2P आर्किटेक्चर, दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम देखेंगे इसमें नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आता है लोकल एरिया नेटवर्क मींस LAN, सबसे पहला LAN आता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, ए लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लैब, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब समझ लीजिए LAN क्या होता है। देखिए LAN की पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकल एरिया, तो इसका LAN का मतलब होता है कि एक ऐसा लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब के अंदर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो सारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं, तो वो हमारा एक LAN नेटवर्क बन जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर एक बिल्डिंग के अंदर, सपोज दैट मान के चलिए एक बिल्डिंग है, उसके अंदर उसमें 10 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, और जितने भी कंप्यूटर सभी को आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे, तो वो जो नेटवर्क हमारा बनेगा वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड। ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क बनते हैं वो ऑफर करते हैं बहुत ही हाई स्पीड, हाई स्पीड की रेंज, हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, और किसके लिए यूज होते हैं, कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए आपस में, एंड पेरीफेरल्स और पेरीफेरल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए, सच एज जैसे कि प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, ETC। लोकल एरिया नेटवर्क का एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर उसको बनाया जाता है, उसमें कई कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, एक घर में हो सकता है, एक स्कूल में हो सकता है, एक कंप्यूटर लैब में हो सकता है, और ये एक हाई स्पीड प्रोवाइड करता है,
हाई स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करेंगे तो वो स्पीड। और इसके अलावा इसमें ये कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और कंप्यूटर के अलावा इसमें पेरिफेरल डिवाइसेज जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर भी कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स ए ब्रॉड एरिया, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है। एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कि लिंक करता है किसके अक्रॉस करता है, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, मतलब एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री को जो कनेक्ट करता है आपस में, ऐसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, यानी इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है वाइड एरिया नेटवर्क का, सबसे बेस्ट वो क्या है, हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है इंटरनेट, एक शहर में भी हो सकता है, एक रीजन में भी हो सकता है, और एक देश में भी हो सकता है, मतलब एक देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश की इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो सकती है। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, वैन का एग्जाम्पल दे रखा है इंटरनेट, एंड इज यूज बाई बिजनेसेस, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बिजनेस में करते हैं, गवर्नमेंट वर्क्स में कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, आर्टिस्ट के रूप में, एंटरटेनर्स के रूप में, एंड मैनी अदर्स, बहुत सारे काम होते हैं इसके। वाइड एरिया नेटवर्क, अब आपको समझ आ गया होगा वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। नेक्स्ट, ये हमारा आज का वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर बताया गया है उसे आप अच्छी तरीके से समझें, समझ आने पर अपनी फेयर नोटबुक में इसको कंप्लीट करें, और जो भी इसमें क्वेरीज हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है पिछले चैप्टर का, वो इसमें लिंक दे रखे हैं वीडियोज़ के, उनको देख करके अपना वर्क कम्प्लीट करें। आगे का वीडियो देखते हैं।